गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम BSCC फर्स्ट ईयर विषय पर्यावरण फर्स्ट पर्यावरण की प्रकृति के अंतर्गत हम पाठ्यक्रम के कार्यों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके तहत हम में इसके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया था, जिसके तहत हम उद्देश्यों के आधार पर, छात्रों की योग्यता के आधार पर, उपलब्ध संसाधन, छात्रों की रुचि तथा क्रियाशीलता का समावेश एवं बाल केंद्रता आधारित इन छः बिंदुओं पर हम पूर्ण चर्चा कर ली थी। आज हम उसी पाठ्यक्रम के प्रारूप की तरफ अग्रसर होते हुए हम सातवें पॉइंट से अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं, जिसके अंतर्गत सातवां पॉइंट है संबंध विषयों का समावेश। अनेक उद्देश्यों की पूर्ति एवं कौशलों के विकास हेतु पाठ्य वस्तु में संबंध विषयों का समावेश किया जाता है। जैसे किसी छात्र ने पहनने वाले वस्त्रों के चुनाव की दक्षता का विकास करना है, तो उसको सर्वप्रथम मौसम की दशाओं के बारे में ज्ञान प्रदान करना होगा। इसके बाद किस मौसम में किस वस्त्र की उपयोगिता है इस पर विचार करना होगा। इसके पश्चात वस्त्रों के गुण एवं विशेषताओं का भी ज्ञान देना होगा। अंतिम रूप में उक्त पाठ्य वस्तु के बाद ही छात्र में वस्त्रों के चुनाव की योग्यता विकसित होगी। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि पाठ्यक्रम में संबंधित तथ्यों का समावेश भी आवश्यकता के अनुसार में करना चाहिए। नंबर 8, सिद्धांत एवं व्यवहार का समन्वय। उत्तम पाठ्यक्रम उसे माना जाता है जिसमें सिद्धांत एवं व्यवहार का उचित समन्वय हो। वर्तमान पाठ्य वस्तु में इस तथ्य का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उसमें क्रियात्मक पक्ष को भी शामिल किया जाता है। जैसे छात्रों को पेड़ पौधों के बारे में विज्ञान विषय में बताया जाता है कि तथा विद्यालय के बगीचे में ले जाकर उनको पेड़ पौधों के बागों से परिचित कराया जाता है। इस प्रकार के अवसर से छात्र स्वयं पेड़ के बागों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। नंबर 9, शिक्षण अधिकम सामग्री की प्रयोग से सरलता। शिक्षण अधिकतम सामग्री के प्रयोग से शिक्षण अधिकम प्रक्रिया पूर्णतः प्रभावी एवं अधिकम हो जाती है। इस प्रकार के इस व्यवस्था के आधार पर पाठ्यक्रम प्रारूप का निर्धारण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें शिक्षण अधिकम सामग्री का प्रयोग सरलता से किया जा सकता है कि नहीं। जैसे पौधों के भागों का वर्णन, पर्यावरणीय स्वच्छता एवं अनेक प्रकार के प्रक्रियाओं में शिक्षण अधिकम सामग्री का प्रयोग सरलता से किया जा सकता है। अतः शिक्षण अधिकम सामग्री के प्रयोग को पाठ्य वस्तु में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करना चाहिए। नंबर 10, मूल्यांकन। पाठ्य वस्तु का समय समय पर मूल्यांकन करना चाहिए, अर्थात किसी पाठ्य वस्तु के माध्यम से किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब पाठ्य वस्तु में परिवर्तन करना आवश्यक होता है, इस प्रक्रिया को तब तक अपनाया जाता है कि जब तक निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति संभव न हो। उदाहरण के लिए श्रवण एवं अभिव्यक्ति दक्षता के विकास में चुटकुलों के माध्यम से सफलता नहीं मिलती है, उसमें कहानी सुनना, सुनाना एवं अनुभव सुनने सुनाने को भी सम्मिलित करना चाहिए। जब इसमें श्रवण एवं अभिव्यक्ति की दक्षता विकसित होती है, तो उसको ही उत्तम पाठ्य वस्तु के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार मूल्यांकन प्रक्रिया को समय समय पर अपनाया जाना चाहिए। आज हम पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम का प्रारूप के निम्नलिखित 10 बिंदुओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज इतना ही। अब हम कल कक्षा 1 से 2 में पर्यावरणीय अध्ययन पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। आप घर पर रहें, सेफ रहें। नमस्ते।